ॐ भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी को सुप्रभात और जय मां सरस्वती। जो देख रहे हैं उनको बहुत साधुवाद। आज हम ऋग्वेद का मंडल 5 सूक्त नंबर 63 का पहला भाग पढ़ेंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। त्रिषष्टितमं सूक्तम्। पहला मंत्र है ऋषिः अर्चनाना आत्रेयः देवता मित्रावरुणौ छन्दः निचरत जगति स्वरः निषादः ऋत सत्य यानी आनंद वृष्टि ऋतस्य गोपावधि तिष्ठथो रथम सत्य धर्माणा परमे व्योमनि यमत्र मित्रावरुणावथो युवम तस्मै वृष्टिर मधुमत्वि पिन्वते दिवः। मित्रावरुणा यानी हे मित्र और वरुण, स्नेह व निर्द्वेषता, आप ऋतस्य गोपौ जीवन में ऋत के रक्षक हो। स्नेह व निर्द्वेषता के होने पर जीवन में अनृत यानी झूठ का प्रवेश नहीं होता। ऋत का वर्धन करते हुए अंत में आप परमे व्योमनी परम व्योम यानी अर्थात हृदयाकाश में सत्य धर्माणा सत्य स्वरूप प्रभु का धारण करने वाले हैं। मित्र और वरुण के कारण भौतिक जीवन में ऋत तथा आध्यात्म जीवन में सत्य की स्थिति होती है। इस प्रकार हे मित्रावरुणा युवम आप अत्र इस जीवन में यम अवथः जिसको रक्षित करते हैं तस्मै उसके लिए दिवः द्युलोक से वृष्टिः होने वाली वर्षा धर्म मेध समाधि में होने वाली आनंद की वृष्टि मधुमत यानी माधुर्य वाली होती है। पिनवते सेचन करती है, उसका निरंतर वर्धन करती है। तो भावार्थ है स्नेह व निर्द्वेषता के भाव के होने पर भौतिक जीवन में रित होता है, अध्यात्म जीवन में सत्य। तो देखिए मित्र और वरुण जो है स्नेह और निर्द्वेषता के देव हैं, तो भौतिक जीवन में क्या हो जाता है, रित होता है। यानी कि रित का मतलब है सच बोलना और व्यवस्थित जीवन जीना। और अध्यात्म जीवन में क्या होता है, सत्य होता है और आनंद की वृष्टि का अनुभव होता है यानी आनंद की बारिश हो जाती है। दूसरा मंत्र है ऋषिः अर्चनाना आत्रेयः देवता मित्रा वरुणौ छन्दः निचरत जगति स्वरः निषादः राधः अमृत त्वम् सम्राजावस्य भुवनस्य राजथो मित्रा वरुणा विदथे स्वर दृशा वृष्टिम वाम राधो अमृतत्व मीमहे द्यावा पृथ्वी विचरंती तन्यवः। हे मित्रावरुणा स्नेह व निर्द्वेषता के देवताओं आप अस्य भुवनस्य इस लोक के सम्राजौ सम्राट हो, आपके कारण ही यह भुवन दीप्त बनता है। हे मित्र और वरुण विदथे इस जीवन यज्ञ में आप स्वर दृशा स्वर्ग को देखने वाले हो। स्नेह व निर्द्वेषता के होने पर जीवन स्वर्ग बन जाता है। वाम आप से हम वृष्टिम आनंद के वर्षण को ईमहे मांगते हैं। राधः कार्य साधक धनो व सफलता की याचना करते हैं। अमृतत्वम शरीर में निरोगता की आपसे याचना करते हैं। आपकी तन्यवः विस्तृत रश्मियां व शक्तियां द्यावा पृथ्वी विचरंती द्युलोक व पृथ्वी लोक में मस्तिष्क व शरीर में विचरंती प्रसत्त होती हैं। स्नेह व निर्द्वेषता से ही मस्तिष्क व शरीर दीप्त बनते हैं। तो भावार्थ है स्नेह व निर्द्वेषता जीवन में दीप्ति यानी सुख स्वह आनंद वृष्टि सफलता व निरोगता को प्राप्त कराते हैं। तो जब मित्र और वरुण स्नेह और निर्द्वेषता रहेगी हमारे जीवन में तो आनंद आएगा, सफलता आएगी, निरोगता आएगी। तीसरा मंत्र है ऋषिः अर्चनाना आत्रेयः देवता मित्रावरुणौ छन्दः जगति स्वरः निषादः दिवस्पति पृथिव्याः विचर्षणि सम्राजा उग्रा वृषभा दिवस्पति पृथिव्या मित्रावरुणा विचर्षणि चित्रेभिर भ्रैर रूप तिष्ठतो रवम द्याम वर्षयथो असुरस्य मायया। मित्रावरुणा यानी मित्र और वरुण स्नेह व निर्द्वेषता के भाव सम्राजा
हमारे जीवनों को दीप्त बनाने वाले हैं। उग्र तेजस्वी है। वृषभा सुखों का वर्षण करने वाले हैं। दिवसपति द्युलोक के व ज्ञान के रक्षक हैं। ये मित्र और वरुण पृथिव्याह शरीर रूप पृथ्वी के विचर्षणी विशेष रूप से ध्यान करने वाले हैं। स्नेह व निर्द्वेषता से ज्ञान का भी वर्धन होता है और शरीर भी स्वस्थ बनता है। हे मित्र और वरुण, आप चित्रे भी अद्भुत व ज्ञान युक्त अभ्र यानी अपभ्र कर्मों के भरण से रवम यानी प्रभु स्तवन में उपस्थित होते हो। स्नेह व निर्द्वेषता को धारण करने वाला पुरुष ज्ञान युक्त कर्मों को करता हुआ प्रभु का स्तवन करता है। हे मित्र वरुण, आप असुरस्य प्राण शक्ति का संचार करने वाले प्रभु की माया या प्रज्ञा से प्रभु से प्राप्त ज्ञान के द्वारा द्याम वर्षयतः प्रकाश का वर्षण करते हो अथवा धर्म मेध समाधि में होने वाली आनंद की वर्षा का कारण बनते हो। तो भावार्थ है, स्नेह व निर्द्वेषता के भावों से शरीर और मस्तिष्क दोनों सुंदर बने रहते हैं, तो हमारा शरीर भी अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा और मस्तिष्क भी ज्ञान दीप्त हो जाएगा, सुंदर बन जाएगा। चौथा मंत्र है, ऋषि अर्चनाना आत्रयः देवता मित्रा वरुणौ छंदः निचर जगति स्वरः निषादः ज्योति व आनंद वृष्टि माया वाम मित्रा वरुणा दिवि श्रिता सूर्यो ज्योतिश्चरति चित्रमायुधम तम भ्रेण वृष्टया गुहथो दिवि पर्जन्य द्रपसा मधुमंत ईरते। हे मित्रा वरुणा, स्नेह व निर्द्वेषता के भावों वाम आपकी अर्थात आपकी उपासना से उत्पन्न माया प्रज्ञा दिवि श्रिता मस्तिष्क रूप द्युलोक में आश्रित होती है। उस द्युलोक में सूर्य ज्योति ज्ञान सूर्य प्रकाशमय होता है। उस समय यह ज्ञान सूर्य चित्रम आयुधम अद्भुत आयुध होता है। यह सारे अज्ञानांधकार को नष्ट करके हमारे जीवन को काम क्रोध लोभ आदि शत्रुओं से रहित करता है। हे मित्र और वरुण, आप तम उस सूर्य ज्योति को अभ्रेण धर्म मेध समाधि में विकसित होने वाले मेघ से और वृष्टया आनंद के वर्षण से दिवि इस द्युलोक में घूहतः संवृत करते हो, सुरक्षित करते हो। स्नेह व निर्द्वेष के भाव से ही हम इस धर्म मेध समाधि की स्थिति तक पहुंचते हैं, यानी धर्म मेध की समाधि की स्थिति तक पहुंचने के लिए आपको क्या चाहिए? स्नेह और निर्द्वेष के भाव और आनंद के वर्षण का अनुभव करते हुए ज्ञान को सुरक्षित कर पाते हैं। हे पर्जन्य कहते हैं बादलों को, धर्म मेध समाधि के मेघ इस तुरीयावस्था मधुमंतः अत्यंत माधुर्य वाले द्रपसाह आनंद वृष्टि के कण ईरते हमारे जीवन में गतिमय होते हैं। तो भावार्थ है, स्नेह व निर्द्वेषता के भाव जीवन को ज्योतिर्मय व आनंद वर्षण से युक्त करने वाले होते हैं। आज के लिए इतना ही था। आप सभी को बहुत साधुवाद। और अब मैं अथर्ववेद पढ़ूंगी। राम राम।